अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे आप लोग के क्लास टेंथ के उर्दू के दरक्षा के किताब से चैप्टर नंबर 2 का, जिसका नाम क्या है, भाभी जान। यह है आप लोगों का चैप्टर 2 भाभी जान। और इस चैप्टर को मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग को पढ़ना है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में है, क्लास टेंथ उर्दू सेशन 2022-23 के नाम से प्ले लिस्ट सेव, आप लोग जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया गया है चैप्टर 2 से रिलेटेड, उस सभी क्वेश्चन के आंसर को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। राइटर का नाम याद रखिएगा, भाभी जान नाम के इस चैप्टर के राइटर कौन है, सोहेल अजीम आबादी। ठीक है, राइटर का नाम नहीं भूलना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब लोग फटाफट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, लफ्ज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि किस किस तरह के लफ्ज़ों का यूज़ किया गया है। ठीक, तो चलिए आप लोग का सवाल स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर तरीन सवालात से, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा आसान है वो ये है कि सुहैल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। तो इनकी पैदाइश पटना में हुई थी। जब मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही थी वहीं पर ये सारा चीज़ बता चुकी हूँ, चैप्टर भी पढ़ाई थी और पूरा लेखक के बारे में यानी कि मुसनफ़ सुहैल अजीम आबादी के बारे में सारा डिटेल्स बता चुकी हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये सारा क्वेश्चन एकदम आप लोग के लिए आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। सुहैल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था, तो मुजीबुर रहमान था, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक, तीसरा सवाल है सुहैल अजीम आबादी के अफसानों, एक मिनट, सुहैल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ, यानी कि सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए कहानी का किताब का नाम बताना है, पहला कहानी का किताब का क्या नाम था और वो किस साल शाये हुआ, प्रकाशित हुआ। तो देखिए, उनके पहले अफसानवी मजमूए यानी कि पहला कहानी का किताब का नाम था चार चेहरे, जो कि आज़ादी के बाद शाये हुआ था, और ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब चैप्टर पढ़ा रही थी। तो ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुहैल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई, तो वो था पटना का एक मदरसा में सुहैल अजीम आबादी की तालीम, मतलब वो शिक्षा हासिल किए थे। ठीक, इब्तदाई तालीम, शुरुआती शिक्षा। ठीक, अब यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है मुख्तसर सवालात यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला सवाल है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। ये रुकैया भाभी नाम का ये जो कहानी है ये पढ़ाई थी मैं आप लोग को, पूरा कहानी बताई थी, जिसमें रुकैया भाभी को मेन कैरेक्टर माना गया है, मरकज़ी किरदार, और इन्हीं पर ये कहानी है और चैप्टर का भी नाम ही है रुकैया भाभी, यानी कि रुकैया भाभी पर ये कहानी लिखी गई है। और रुकैया भाभी के घर गए रहते हैं उनका देवर, और देवर ही जो है ना अपने भाभी यानी कि रुकैया भाभी की सारी खूबियों को, विशेषताओं को उस कहानी में बताए हैं, उस चैप्टर में बताए हैं। ठीक है, तो कहानी रुकैया भाभी में रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार पेश किया गया है उसका नाम रहता है अख्तर, यानी कि अख्तर जो है ना वो रुकैया भाभी का देवर रहता है, जो कि रुकैया भाभी के घर गया रहता है कुछ दिनों के लिए। ठीक, ये मैं आप लोग को चैप्टर पढ़ा रही थी तब वहाँ पर सब हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। ठीक है, तो पहले आप लोग, मैं कोशिश मतलब मैं आप लोग को तो कहूँगी सबसे पहले आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये सारा चीज़ जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बुक से ये सब्जेक्टिव में पूछा गया ना सारा का आप लोग खुद आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद से जिसे रुकैया भाभी दिल व जान से चाहती थी, इनका जो देवर था अख्तर, उनको मतलब उनके साथ रुकैया भाभी बहुत अच्छे से पेश आती, मुस्फ़ाकाना बच्चों की तरह बर्ताव किया करती थी। ठीक है, तो बस यहाँ पर उतना ही क्वेश्चन पूछा है कि रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था, तो वो था अख्तर, जो कि जिसको रुकैया भाभी दिलो जान से चाहती थी और बच्चों के जैसा व्यवहार और बर्ताव करती थी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 है यानी कि सवाल नंबर 2 कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल इसलिए जाना पड़ता था क्योंकि वह सियासी आदमी थे, पॉलिटिक्स में रहते थे, और उस वक्त तहरीक जदोजहद आज़ादी ज़ोरों पर थी। ठीक, उन पर कई सियासी मुकदमात चल रहे थे उस वक्त, जो है ना हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए आंदोलन चल रहा था, और इसीलिए उन पर रुकैया भाभी के शौहर पर यानी कि हस्बैंड पर ढेर सारे मुकदमात चल रहे थे, केस चल रहा था। और एक मुकदमे में जब वो जेल जाते और जैसे ही जेल से बाहर निकलते किसी दूसरे मुकदमे में उनको सज़ा हो जाती, किसी दूसरे केस में उनको फंसा दिया जाता था, फिर उसमें वो जेल जाते थे, और इसलिए वो बार बार जेल जाते ही रहते थे। क्यों? क्योंकि रुकैया भाभी के शौहर एक सियासी आदमी थे और इसीलिए उन पर हमेशा केस चलते ही रहता था। एक केस में, एक मुकदमा में जेल जाते और जैसे ही जेल से छूटते फिर दूसरे मुकदमे में फिर से जेल चले जाते थे, और इसीलिए हस्बैंड को बार बार जेल जाना पड़ता था। तो ये आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि जिस तरह ये लिखा है उसी तरह आप लोग लिखेंगे।
अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा सवाल है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। रुकैया भाभी जो है ना, किस लड़की की तालीम का खर्च यानी कि पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी और क्यों उठाती थी। तो ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो जो लड़की थी जिसका तालीम और तरबियत यानी कि पढ़ाई लिखाई का खर्च रुकैया भाभी उठाती थी, उसका नाम था शमी। ठीक, वो एक शमी नाम की गरीब लड़की थी जिसकी तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी यानी कि खुद उठाती थी। गुर्बत के बावजूद शमी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसके वालिदैन उसकी तालीम अखराजात के मुतहम्मिल नहीं थे, यानी कि शमी के जो माता पिता थे इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, और इसीलिए रुकैया भाभी की शक्ल में अल्लाह ताला उसकी तालीम का ज़रिया पैदा कर दिया। रुकैया भाभी एक मुकामी कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने शमी की तालीमी अखराजात का जिम्मा ले लिया और दूसरे ज़रूरतमंदों की भी उसी तरह मदद किया करती थी। ठीक, इसीलिए रुकैया भाभी क्या की, शमी जो है ना, शमी नाम की लड़की, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसीलिए उसके तालीम और तरबियत पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो खुद उठा ली, जिम्मा ले ली। और इसी तरह वो रुकैया भाभी जो है ना, दूसरे ज़रूरतमंदों की भी मदद किया करती थी, ढेर सारे लोगों की मदद किया करती थी। बल्कि रुकैया भाभी ऐसा नहीं है कि ये भी धनवान थी, ये भी गरीब ही थी, लेकिन ये खुद गरीब होने के बावजूद भी दूसरों की मदद किया करती थी। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ी थी। यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवानी पड़ी थी, करवाना पड़ी थी लिख दिया गया, तो यहाँ पर कोई मिस प्रिंट हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसका जवाब है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा कि जिस कॉलेज में वो लेक्चरर थी ना, उसी कॉलेज में शमी नाम की गरीब लड़की पढ़ती थी। ये मैं आप लोगों को अभी बताई। ठीक, उसकी गुर्बत और तालीमी ज़ोक देखकर रुकैया भाभी शमी की तमाम तालीम अखराजात खुद बर्दाश्त करती थी। मतलब उस शमी नाम की लड़की की गुर्बत देखकर, गरीबी देखकर जो है ना, रुकैया भाभी खुद उस शमी नाम की लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाती थी। एक दिन जो है ना, शमी रुकैया भाभी के पास आई और अशकों से लबरेज़ आँखों से सरापा सवाल बन गई। यानी कि एक दिन आई शमी रुकैया भाभी के पास और बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, उसकी आँखों में आंसू था। ठीक, बहुत ज़्यादा इसरार की, बहुत ज़्यादा रुकैया भाभी शमी से पूछी कि आखिर क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, लेकिन वो बताती ही नहीं थी। ठीक है, आखिर में बताई, पूछने पर, बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, बहुत ज़्यादा पूछने पर रुकैया भाभी को वो बताई कि भाई जान को कल एमए के इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है, पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। और रुकैया भाभी तो दर्दमंद दिल की मालिक थी। ठीक है, और वो क्या की, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई और अपने सोने के जेवरात को फरोख्त करके शमी के भाईजान का तालीमी कैरियर बना दिया। यानी कि जब शमी आई भाभी जान के पास और रो रही थी, उसकी आँख में अश्क थे, आंसू थे, तो रुकैया भाभी बहुत ज़्यादा पूछी, तो वो जो शमी है वो बताई कि उसके भाई, उसका जो भाई जान है, उसका भाई है, उसको एमए का फॉर्म भरना है और कल आखिरी डेट है, लेकिन पैसे का कोई इंतज़ाम नहीं है। ठीक, तो रुकैया भाभी उसकी गुर्बत को देख कर क्या की, उसके पास अपनी बेटी की छोटी छोटी चूड़ियाँ रखी हुई थी, उसी को उठाकर शमी को दे दी और बोल दी कि ले जाओ, इसको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे इससे क्या करना, अपने भाई का फॉर्म भर देना। ठीक, तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी। तो रुकैया भाभी फुर्सत के औकात में अपना इल्मी शौक़ पूरा करने के लिए अपने अहबाब और शागिर्दों को खतूत लिखा करती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ देता है कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए क्या करती थी। तो अपने अहबाब और शागिर्दों को, अपने स्टूडेंट और जो रुकैया भाभी के अपने लोग हैं, उनको वो खतूत लिखा करती थी, ख़त लिखा करती थी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नए ख़त लिखने वाले थे, ठीक, वो आकर मजमून नवेसी व देगर तहरीरों से मुतालिक रुकैया भाभी से मशवरे भी तलब किया करते थे कि किस तरह खतूत लिखा जाता है, किस तरह मजमून लिखा जाता है। जो नए नए लिखने वाले होते हैं वो आकर रुकैया भाभी से पूछा करते थे। ठीक, और रुकैया भाभी नहायत पाबंदी और ज़िम्मेदारी के साथ उन खतूत का जवाब भी दिया करती थी। ठीक, तो ये सारा काम करती थी रुकैया भाभी। मतलब इस चैप्टर में रुकैया भाभी की तारीफ़ की गई है। ठीक, रुकैया भाभी दर्द मंद दिल की मालिक थी, लोगों का बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। ठीक, अब देखिए, यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो रहा है तवील सवालात यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, और उसके साथ जवाब भी दिया गया है, माँ जवाबात यानी कि जवाबात के साथ, जवाब के साथ। पहला सवाल है, रुकैया भाभी का सरापा
कम से कम 10 जुमलों में तहरीर करें। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बोल रहा है कि रुपया भाभी का काम वो क्या क्या करती थी, किस तरह दूसरों की मदद किया करती, मतलब उनकी एक्टिविटी बताना है आप लोगों को 10 जुमलों में, 10 सेंटेंस में, ठीक है। तो ये लॉन्ग टाइप है तो इसमें थोड़ा लंबा लिखना होगा, 10 जुमलों में लिखना है। तो देखिए, रुकैया भाभी के शब व रोज़ का मामूल यह था कि वह सुबह सवेरे बेदार होकर घरेलू कामों में मसरूफ़ हो जाती। ये सुबह उठकर और घर का जो भी काम रहता उसमें बिजी हो जाती। एक उनका वह ज़माना था जब 4-5 दाइयाँ और नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसा ज़माना है कि जब उनके पास सिर्फ उनका ऐसा ज़माना है था ये एक ऐसा ज़माना था लेकिन अभी एक ऐसा ज़माना आ गया है कि उनके पास सिर्फ़ एक ही नौकर है जो बाज़ार से सौदा सुल्फ भी लाता था और खाना भी पकाता था। मतलब एक रुकैया भाभी का एक ऐसा ज़माना था जब उनके पास 4-5 नौकर हुआ करते थे, लेकिन अब एक ऐसा ज़माना आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है जब रुकैया भाभी के पास सिर्फ एक ही नौकर है जो कि बाज़ार से सौदा सुल्फ भी लाता है और खाना भी वही पकाता है, ठीक। और उसके बाद से आगे देखिए, शादी के कबिल वह सिर्फ अपनी ज़ात पर हज़ारों रुपए खर्च कर दिया करती थी, लेकिन अब उनके पास रुपए की भी तंगी है। मतलब शादी से पहले जो है ना वो हज़ारों रुपए अपने आप पर खर्च कर दिया करती थी, लेकिन अब उनके पास रुपए की तंगी है। सिर्फ 400 रुपए माहवार उनके कॉलेज से मिलता है, सिर्फ 400 रुपए जहाँ पर वो पढ़ाने जाती हैं कॉलेज में रुकैया भाभी, उनको मंथली मिलती है 400 रुपए उस कॉलेज से, ठीक है। और 50 रुपए माहवार पर एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाती थी, ठीक। तो 400 और प्लस 50 रुपए, 450 उनकी कुल आमदनी थी, ठीक है। और अखराजात की जिम्मेदारी पहले से भी ज़्यादा, सिर्फ एलवायल के खर्च तक महदूद होता तो किसी तरह पूरा भी हो जाता, लेकिन अब रुकैया भाभी के अखराजात बढ़ चुके थे। अपने एलवायल के अखराजात के अलावा वो हर महीने मजदूरों और तालिब इल्मों के इंजमनों को भी देना पड़ता था। मतलब ये सबको मदद किया करती थी, इतने मतलब रुकैया भाभी के पास इतने पैसों की किल्लत थी, कमी थी, लेकिन फिर भी ये दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद किया करती थी। और वही ये बात इतना लंबा चौड़ा लिखा है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रुकैया भाभी जो है ना अस्पताल में एक बच्चा को रोज़ दूध ले जाकर दिया करती थी। वो बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक कि कॉलेज के एक मुलाजिम की बेटी को अस्पताल जाकर दूध की बोतल पहुँचाती थी। वो लड़की बेवा थी, मतलब वो जो लड़की का बच्चा पैदा हुआ था वो लड़की बेवा थी, उसका पति नहीं था, और इसीलिए अस्पताल में एक बच्चा हुआ था उस लड़की का। और दूध के अलावा उसके बच्चे के लिए जो भी सामान, स्वेटर वगैरह, मोज़े वगैरह भी जो है ना बुनवा कर वो ले जाकर दे दिया करती थी। इतना ज़्यादा जो है ना आप बोल सकते हैं रुकैया भाभी दर्दमंद दिल की मालिक थी, जो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी। वही बात आप लोगों को लिख देना है अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक। देखिए दूसरा सवाल है, रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहैल अज़ीम आबादी ने कारी के हौसला देने का काम किया है, इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तफाक करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रुकैया भाभी को एक किरदार, एक करेक्टर की मिसाल देकर सुहैल अज़ीम आबादी सभी लोगों को हौसला देने की कोशिश की है कि हाँ, औरत को ऐसे रहना चाहिए, चाहे उसके पास कितनी भी पैसे की कमी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर से इंसानियत नहीं जानी चाहिए, हमेशा लोगों की मदद करे, लोगों की हमेशा जो भी ज़रूरत है ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करें, ऐसे औरत को होना चाहिए। या फिर सिर्फ औरत को नहीं, हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर इंसानियत रहे। तो इस ख्याल से, इस बात से आप किस हद तक इत्तफाक रखते हैं, आपको क्या महसूस होता है कि ऐसा, क्या ऐसे इंसान को रहना चाहिए, यही आप लोगों को जवाब में बताना है। तो वही लंबा चौड़ा बताया गया है। देखिए, शामिल निसाब अफसाना रुकैया भाभी सुहैल अज़ीम आबादी की एक सामाजिक कहानी है। इस कहानी में सुहैल अज़ीम आबादी ने कहानी का उन्वान रुकैया भाभी को एक औरत के किरदार में पेश किया है। कहानी का जो टाइटल है रुकैया भाभी, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो भी है रुकैया भाभी, जो एतार व क़ुरबानी और वफादारी की एक बेहतरीन मिसाल है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है रुकैया भाभी के लिए कारी के दिल में एहतराम का जज्बा बढ़ता चला जाता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, वैसे ही जो पढ़ने वाला है, पढ़ने वाले के मन में रुकैया भाभी के प्रति सम्मान बढ़ते जाता है, क्योंकि कहानी में आगे रुकैया भाभी की और भी ज़्यादा, आप बोल सकते हैं, वो जो भी काम किया करती हैं, लोगों की मदद करना, सेवा करना, वो और भी ज़्यादा दिखाया जा रहा है इस कहानी में कि किन किन लोगों की रुकैया भाभी मदद करती हैं। और इसीलिए जो पढ़ने वाला है उसके दिल में रुकैया भाभी के लिए सम्मान पैदा हो जाता है।
ठीक, पूरी कहानी में रुकैया भाभी की शख्सियत एक रोशन चिराग की तरह नज़र आती है। उनकी मिसाल एक जलती हुई शमा की तरह है, एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह बोल सकते हैं, जो रात भर जलती और पिघलती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस शमा की रोशनी कितने तारीख जहन को मनोवर कर देती है। मतलब वो रुकैया भाभी खुद जलती रहती है, एक मोमबत्ती की तरह है जो कि खुद जलती रहती है, पिघलती रहती है, लेकिन अपनी रोशनी से चारों तरफ जो है ना रोशन की रहती है। मतलब भले ही वो गरीब है, वो भी गुर्बत में है, लेकिन हाँ वो दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। ठीक, अपने ही खुद गुर्बत में रहने के बावजूद भी दूसरे ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करती हैं। ठीक, और वही ये लंबा चौड़ा लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग फटाफट करते हैं अगले सवाल। देखिए, तीसरा सवाल है, सुहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और क्यों? सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताना है कि वो उर्दू के किस अफसाना निगार, किस कहानीकार, जो कहानी लिखने वाले हैं, उससे ज़्यादा मुतासर थे, यानी कि मोटिवेटेड थे और क्यों? ठीक है, तो देखिए, सुहेल अजीम आबादी जो है ना, वो प्रेमचंद की शख्सियत और उनकी अफसाना निगारी से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक मुतासर थे। सुहेल अजीम आबादी प्रेमचंद, जो कि एक राइटर है, कहानी लिखते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी कहानी लिखने के तरीके, इनकी अफसाना निगारी से बहुत हद तक मुतासर थे, मोटिवेट थे, क्योंकि प्रेमचंद ने पहली बार अपने अफसानों में हिंदुस्तान के देहाती माहौल को मौजू बनाया था। क्योंकि प्रेमचंद जो थे ना, वो हमेशा जो भी कहानी लिखा करते ना, वो अपनी कहानी में, अफसानों में हिंदुस्तान के देहाती माहौल का मौजू बनाते थे, टॉपिक बनाते थे, और देहाती माहौल को अपने अफसानों में उतारते थे। ठीक, कसीराबाद गांव में रहने की वजह से हिंदुस्तान का असल तहजीब और माशरे का, एक मिनट यहाँ पर मीटर के हैं, हाँ, मरकज़ गांव की ही तस्लीम किया गया है। मतलब प्रेमचंद जो है ना, वो हमेशा, वो उनकी पैदाइश गांव में, मतलब वो गांव में रहने की वजह से ही वो अपने अफसानों में क्या डालते हैं, गांव के, आप बोल सकते हैं, गांव के देहाती जो माहौल होते हैं उसको अपने अफसानों में डालते हैं। ठीक, तो वही लंबा चौड़ा बात लिखा गया है, देख रहे हैं यहाँ पर, मौजूद देहाती माहौल से लिए थे। ठीक, और ये लंबा चौड़ा आप बोल सकते हैं, यही वजह है कि सुहेल अजीम आबादी को प्रेमचंद के फ़न में ज़िद्दत और फितरत की तरफ झुकाव नज़र आया। ठीक, और इसीलिए जो है ना, सुहेल अजीम आबादी प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक मुतासर थे, मोटिवेटेड थे, और वो चाहते थे सुहेल अजीम आबादी कि वो भी किस तरह प्रेमचंद की तरह कहानी को लिखें। ठीक, तो ये लंबा चौड़ा बात, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है कि अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया और क्यों? अफसाना जो भाभी जान है, इस भाभी जान नाम के कहानी में जो किरदार है, जितने ढेर सारे किरदार है, लेकिन किस किरदार ने, किस कैरेक्टर ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और क्यों? तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए बुक में क्या लिखा गया है। तो देखिए, जवाब में लिखा गया है, भाभी जान के उन्वान से निसाब में शामिल अफसाना सुहेल अजीम आबादी का एक बेहतरीन अफसाना है। ये तो आप लोग जानते हैं, ये भाभी जान नाम का जो अफसाना है, ये सुहेल अजीम आबादी का एक बेहतरीन अफसाना है, जिसमें रुकैया भाभी मरकज़ी किरदार की हैसियत से सामने आती हैं। उनके किरदार की अजमत का सही अंदाज़ा उनकी मसरूफियात से होता है, यानी कि जब वह सुबह को बेदार होती हैं तो अपने बच्चों को खिला पिला करके स्कूल भेजती, फिर खुद भी नहा धोकर तैयार होती, फिर हाजतमंदों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि ये जो अफसाना भाभी जान है, इसमें जो कैरेक्टर से इंसान मोटिवेट हो जा रहा है, मुतासर हो जा रहा है, वो कैरेक्टर कौन सा है? वो है भाभी जान का कैरेक्टर, जो कि भाभी जान इस कहानी का मरकज़ी मेन कैरेक्टर है। ठीक है, उनकी मसरूफियात, मतलब वो कितनी सादा दिल की, कितनी दिल की मालिक है, उनकी मसरूफियात से मालूम चलता है। यानी कि जब वो सुबह सवेरे बेदार होती तो अपने बच्चों को पहले खिला पिला कर स्कूल भेज देती थी, फिर खुद भी नहा धोकर तैयार होती, और उसके बाद से हाजतमंदों से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता। यानी कि लोग जो है ना, रुकैया भाभी के पास आते थे मिलने के लिए, वो मतलब आप बोल सकते हैं रुकैया भाभी से उनका काम रहता था, अपना काम निकलवाने के लिए लोग जो है मिलने के लिए आते थे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर जो है ना आप लिखा गया, इतना लंबा चौड़ा आप लोग देख सकते हैं, तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और देखिए, इसके अलावा रुकैया भाभी की मसरूफियात भी बेपनाह थी, उनके पास बेशुमार खतूत भी आया करता था। देखिए, लोगों की मदद तो किया ही करती थी, लेकिन वो जो है ना, जब खतूत भी लिखा करती ना, तो खतूत ऐसा लिखा करती थी कि लोग जो नए लिखने वाले हैं, नए खतूत लिखने वाले, वो भी आकर इनसे मशवरे लेते थे कि
कैसे खतूत लिखा जाए या फिर कैसे मजमून लिखा जाए, ठीक है। यानी कि ये शिक्षा मतलब इनको हासिल थी, खतूत भी अच्छा लिख लेती थी और इसीलिए नए जो लिखने वाले इनसे आकर मशवरे वगैरह लिया करते थे, तो ये इस चीज़ में भी बिजी रहती थी। ठीक, आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज़ कम 10 जुमले तहरीर करें। यानी कि सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में आप लोगों को लिखना है 10 जुमलों में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया, और साथ ही क्या करना है, साथ ही यह भी तहरीर करें कि उनके अफसाने के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वह कब शाये हुआ। ठीक, तो देखिए यहाँ से आप लोग का जवाब स्टार्ट हो रहा है। सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में बताना है तो मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में, अगर पढ़े हैं तो आप लोग खुद से भी लिख लेंगे। ठीक, सुहैल अज़ीम आबादी का बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान था, शुरू में वो शेर भी मोजो करते थे और सुहैल तखल्लुस रखते थे, इसलिए दुनियाए अदब में वह सुहैल अज़ीम आबादी के नाम से पहचाने गए। ठीक, सुहैल अज़ीम आबादी बाद में ना कहानी लिखना शुरू कर दिए, लेकिन वो शुरुआत में शेर लिखा करते थे और अपने शेर में जो नाम यूज़ करते थे वो सुहैल यूज़ करते थे और इसीलिए सुहैल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। ठीक, सुहैल की पैदाइश 1911 में पटना में हुई थी और वो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, और सुहैल जब 1 साल के थे तो माँ के साया से महरूम हो गए, यानी कि उनकी माँ का इंतकाल हो गया और चुनानचा उनकी परवरिश नानीहाल में हुई थी और वहीं एक उस्ताद से इब्तदाई तालीम हासिल की। ठीक है, और आबाई वतन पटना के मजाफात में और शाहपुर भदौल था, लेकिन पटना में मुस्तकल क़याम की वजह से पटना के ही होकर रह गए, मतलब ये पटना में ही इनका स्थायी निवास बन गया, पटना में ही हमेशा रह गए और वहीं पर इनकी शायद मृत्यु भी हो गई। ठीक, तो वही लंबा चौड़ा सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में लिखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आगे सुहैल अज़ीम आबादी जो है ना वो पटना रेडियो स्टेशन में करा लिया, मतलब आगाज़ उनकी मुलाजमत का आगाज़, याद रखिएगा सुहैल अज़ीम आबादी की मुलाजमत जॉब की शुरुआत जो है ना ऑल इंडिया रेडियो से हुआ था और मुलाजमत के सिलसिले में वो दिल्ली और कश्मीर भी रहने के लिए गए थे और उन्हें कई मौके मिले, लेकिन आखिरी ज़माने में उन्होंने अपना तबादला पटना रेडियो स्टेशन में करा लिया। ठीक है, वो पटना रेडियो स्टेशन में आकर जुड़ गए, वहाँ पर जॉब करने लगे और वहीं से सबकदोश हो गए, यानी कि रिटायर हो गए और सबकदोशी से किबल ही वो मुलाजमत से इस्तीफ़ा भी दे दिया। ठीक, इस्तीफ़ा भी दे दिए थे। ठीक है, और यही लंबा चौड़ा, और देखिए यहाँ पर लिख भी दिए गया है सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों के दूसरा जो मजमूआ है, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया था ना, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा गया था कि सुहैल अज़ीम आबादी के बारे में तो बताना ही बताना है, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि सुहैल अज़ीम आबादी के अफसानों के दूसरे मजमूए का क्या नाम है और वो कब शाये हुआ। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि सुहैल अज़ीम आबादी का दूसरा जो मजमूआ है उसका नाम था अलाव, जो कि अशायद की ज़िंदगी में ही हो चुकी थी, मतलब ये जो अलाव है किताब सुहैल अज़ीम आबादी का, ये सुहैल अज़ीम आबादी अभी ज़िंदा ही थे तभी इसको प्रकाशित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा सुहैल अज़ीम आबादी के दूसरे मजमू का क्या नाम है, दूसरे किताब का, वो है अलाव। ये था आप लोगों का चैप्टर 2 भाभी जान का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया गया था चैप्टर 2 में, वो सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दी। कोई भी कंफ्यूजन हो इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक, वीडियो अच्छा लगा, जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट लाइक कर लीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चारों तरफ शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा शेयर करना है। और उसके बाद से अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।